वेलकम टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं अपलाया हूँ आपके लिए, जिसका साइज़ है आपका 18 फीट इसकी फ्रंट है और जिसकी डेप्थ है वो आपकी 53 फीट है। 18x53 का ये आपका मैप है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक बेडरूम है और एक आपका ड्राइंग रूम है, यानी कि टोटल रूम इसमें दो हैं, एक ड्राइंग रूम है, एक बेड का बेडरूम है। तो सबसे पहले आप मेन एंट्री से, ये जो मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं आप। इसका साइज़ है आपका पोर्च का 7.5x14x9 का ये पोर्च देखने के लिए मिल जाता है आपको। इसी के साथ ये आपका 4 फीट का ओपन एरिया हमने आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। पोर्च के आगे आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका 3 फीट का स्टेयरकेस, यानी कि जीना, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे जीने से। अब इधर चलते हैं। पोर्च के आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने के लिए मिलता है आपका ड्राइंग रूम, जिसमें आपको दो डोर दिए गए हैं। पहला डोर आपका गेस्ट डोर है, यानी कि जो आपके गेस्ट हैं वो इस डोर से एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम में, और जो दूसरा डोर है वो आपके लिए पर्सनल डोर दिया गया है। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 9.75x10.75 का ये ड्राइंग रूम बनाया गया है। ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन के लिए ये विंडो भी आपको दी गई है, यहाँ से फुल वेंटिलेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद आप अंदर एंट्री करते हैं लॉबी में इस डोर से, तो आप लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी का साइज़ है आपका 10.5x10.5x11.5 की आपको लॉबी दी गई है। लॉबी के इस साइड सबसे पहले आपको दिया गया है किचन, जिसका डोर आपको यहाँ से दिया गया है। ये आपका डोर किचन का। किचन का साइज़ है आपका 9.75x6.6 की ये किचन दी गई है। किचन के अंदर आपको ये स्लेब भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको 2 फीट की दी गई है, और वेंटिलेशन के लिए ये विंडो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ आप लॉबी के आगे चलते हैं, यानी कि इस साइड, तो आपको देखने के लिए मिलता है 6.5x4 का ये ओपन एरिया आपको यहाँ पर दिया गया है। इस ओपन एरिया में आप वॉश बेसिन चाहें तो लगवा सकते हैं, ये इसीलिए आपको छोड़ा गया है, और यहाँ से आपका वेंटिलेशन भी हो जाएगा। इसी के साथ सामने आपको दी गई है टॉयलेट, जिसका डोर आपको यहाँ से दिया गया है 2.5 फीट का। टॉयलेट का साइज़ है आपका 6.5x6.9 की ये टॉयलेट आपको दी गई है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 1 BHK साइज की रिक्वायरमेंट है, तो एक ही बेडरूम इसमें बनाया गया है। इस डोर से आप बेडरूम में एंट्री करते हैं, और बेडरूम का साइज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है 17.3x12 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम में आपको स्टोर भी अटैच किया गया है, जिसका डोर आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहें तो बेडरूम से टॉयलेट भी अटैच कर सकते हैं। ड्रेस और टॉयलेट अटैच करके आप इसे मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ओनली स्टोर की थी, तो इसीलिए स्टोर अटैच किया गया है। स्टोर का साइज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है 7.5x5 फीट का स्टोर बनाया गया है, जो कि आपका बेडरूम से अटैच है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको ये डोर के बराबर में ही आपको विंडो देखने के लिए मिल जाती है। ये बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए लगाई गई है। इसी के साथ आपको ये डोर जो देखने के लिए मिलता है, ये आपको पीछे ओपन एरिया में जाने के लिए दिया गया है। इस ओपन एरिया का साइज़ है आपका 9.75x5 फीट का ये आपको ओपन एरिया दिया गया है। तो 18x53 फीट के मैप में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आपका प्लॉट का साइज़ कुछ और है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ही आपका मैप बनाया जाएगा। 24 घंटों से 48 घंटों के बीच में आपको मैप बना करके सेंड कर दिया जाएगा, और आप उस मैप में जब तक चेंजेस करवा सकते हैं, जब तक वो आपको पसंद ना आए। चेंजेस करवाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।